हेलो बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 7 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है ना। 2 - 3/5, ठीक है ना, इसे माइनस करना है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और इसको लिख सकते हैं 3/5 एज इट इज। वैसे आपको एडिशन तो करना आता होगा ना, जैसे 3 में से 2 गए, क्या बचे? 1 बचे। कैसे? क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है और इसके नीचे भी 1 होता है। 1/1 = 1, यानी कि नीचे जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो अगर इक्वल हो तो हम क्या कर देते हैं, उसे एज इट इज़ माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, 2 और 1 को, इसको 1 को किस में कन्वर्ट कर दें, 5 में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, 2 × 5/1 − 3/5, 2 × 5 = 10/5 − 3/5। अब हम यहाँ देखते हैं दोनों में क्या है, इक्वली इक्वल है। 10 में से 3 का तो 10 − 3 लिख दिया जाएगा, और नीचे 5 का 5, 10 में से 3 का कितने बचे, 7/5, ठीक है ना। 7/5 को आप अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 7 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, रिमाइंडर 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7/5 = 1, 2/, जो रिमाइंडर हमेशा ऊपर होता है, 2/5। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 7/5 नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा जो है ऊपर कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये 4 आ जाता है, नंबर सेकंड आ जाता है, 4 + 7/8। तो इस 4 को भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, 8 में कर दें, 4 हमारा 4/1 ही होता है। तो हम इसे लिखेंगे 4 × 8 × 1 × 8, प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे, 7/8 लिख देंगे, 8 × 4 = 32/8, प्लस 7/8, इन दोनों के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे, ऊपर वाले एज इट ऐड हो जाते हैं, 32 + 7, 32 + 7 कितना में, 39/8, ठीक है ना। 39/8 को क्या करेंगे आप, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऊपर वाला हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 39 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 होते हैं, कितने बचे, 7। तो क्या लिखेंगे, 4, रिमाइंडर हमेशा ऊपर और डिवाइड करने वाला हमेशा नीचे, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 7 है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसके हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे भी हमने एलसीएम निकालना सीख रखा है क्लास 5th में, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 × 5 = 7 और 7 × 7, तो हमारा एलसीएम कितना आता है, 5 × 7 = 35, ठीक है ना। इसी तरह इसका एलसीएम नीचे कितना आना है, 35 आना है, ठीक है। तो 3 के नीचे क्या है, 5 है, 5 की किससे मल्टीप्लाई करी जाए, 7 से मल्टीप्लाई करी जाए, 35 आ जाएगा। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 7 से 7 कट गया, ऊपर नीचे 7 नंबर से मल्टीप्लाई करते तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस 2/7, इसकी मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35, यही 5 से मल्टीप्लाई हो और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। इसके इधर से हो गई, इसके इधर से हो गई, तो हम उससे पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 7 × 3 = 21/35, प्लस है 5 × 10/35, दोनों को ऐड कर लेंगे, 35 का 35, 21 + 10 = 31/35, ठीक है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, चलो चलो बल्ले बल्ले हो गई, डिवाइड करने से बच गए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। 11 और 50, 11 वैसे ही प्राइम नंबर है तो ये किसी से जाएगा नहीं, यानी कि इनका एलसीएम क्या होगा, आपस में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना।
9 की मल्टीप्लाई 15 से हो गई अपॉन 11 की मल्टीप्लाई 15 से हो गई, माइनस का साइन लगेगा, 4 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, 4 के नीचे क्या है 15, 15 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, यानी कि इनके आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही। 15 9 दा 135 और 11 5 बंदा, ओ सॉरी 15 बंदा 15, 15 का 5 कैरी 1, 15 बंदा 15 और 1 16, 165 माइनस 11 4 दा 44 अपॉन 165, ये तो सेम ही मल्टीप्लाई है, नीचे वाला बराबर हो गया, डिनोमीटर इक्वल है तो 165 लिख लेंगे नीचे एज इट इज़, ऊपर वाला भी एज इट इज़ लिख लेंगे 135, बीच में साइन माइनस का माइनस लगा देंगे 44, ये माइनस कर दें 5 में से 4 गए 1 बचे और 13 में 4 गए 9 बचे हैं, ठीक है 9 और 4 13 अपॉन 165, ये आपस में किसी से डिवाइड हो रहा तो देख लेना, नहीं हो रहा तो पावर फ्रैक्शन में हो गया, 1 2 3 4 हो गया। और भी है इसके साथ पार्ट, और भी हैं भाई साहब। ये अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, 10 5 और 2, तो इनका एलसीएम लेंगे, 10 5 और 2 का क्या आता है, ये आ गया 10, ये आ गया 5, ये आ गया 2, सबसे पहले 2 2 5 द 10 5 2 1 द 2 फिर 5 5 1 द 5 5 1 द 5 1, एलसीएम कितना आया 2 into 5 2 into 5 is equal to 10, यानी कि मैक्सिमम एलसीएम क्या आना 10 आना, पहले के नीचे तो 10 है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे 7 upon 10 ही लिख देंगे, प्लस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 multiply by 2 upon 5 multiply by 2, वेरी गुड, प्लस का साइन लगा दिया, फिर 3 लिख दिया और इसके नीचे 2 लिख दिया, 2 को 10 करने के लिए 2 multiply by 5 और इसकी multiply by 5, 7 upon 10 प्लस 2 2 the 4 upon 10 प्लस 5 3 the 15 upon 10, सबके नीचे 10 तो लाइन खींचेंगे एज इट इज़ 10, 7 plus 4 is equal to 11 प्लस 15 is equal to कितने होगा, इनको ऐड कर लेंगे 7 11 11 में 50 करो 5 4 1 6 और 2 का 2 2 1 और 1 2 26 26 upon 10, ठीक है ना 26 upon 10, तो ये कट रहा है इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 26 upon 10 को, टेन टू द 20 बचते हैं 6, ठीक है ना, यहाँ कितने बच गए हमारे 6 बच गए, लेकिन ये 6 है ये 10 है, इसमें भी आपस में एक है, दोनों ही नंबर है, ये देख लो इससे पहले तो नहीं कट रहा है, उससे पहले कट रहा है, तो इससे पहले इसे काट देते हैं, किससे 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड है, 2 5 द 10 और 2 13 द 15, डेट इज़ इक्वल टू 13 upon 5 आ गया, अब 13 को 5 से डिवाइड कर लो, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 द 10, डेट इज़ इक्वल टू 5 2 द 10 बचे 3 जो बचे ऊपर आ जाएंगे और नीचे 5 5 2 द 10 10 और 3 13 13 upon 5, ठीक है। अब अगला आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले खोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन आपको आता होगा 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 2 ऐड करते हैं, यानी कि 2 multiply by 3 plus 2 upon 3 plus 3 to the 6 or 1 7 upon 2, ठीक है ना, तो 3 multiply by 2 plus 1 upon 2, ये कोई लिखने का तरीका नहीं होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह, 3 to the 6 6 7 8, 3 to the 6 7 8, ये हमारा हो गया 8 upon 3 plus 2 3 the 6 6 or 1 7 7 upon 2, ठीक है ना, इसमें 3 8 2 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 8 multiply by 2 upon 3 multiply by 2 plus 7 upon 2, इसकी मल्टीप्लाई भी हम 3 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से, इधर 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 से करेंगे, इधर 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 से करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6, नीचे 6 आया नीचे 6 आया, 8 to the 16 upon 6 प्लस 7 3 the 21 upon 6, 6 का 6 ले लिया, ऊपर कितना बचा 16 प्लस 21
सिक्स और वन सेवन, टू और वन थ्री अपॉन सिक्स, सिक्स सिक्स द 36, इसे डिवाइड कर लें, सिक्स सिक्स द 36, रिमाइंडर कितना बचा, वन अपॉन सिक्स, सिक्स सिक्स द 36, 36 और वन 37, 37 अपॉन सेवन, ये हमारा सही आ गया, ठीक है ना। अब फिर ये सेवन आ जाता है, पहले इसकी मल्टी एट एट या टू की एट से लें, टू एट द 16, 16 में वन जोड़ा 17, 17 अपॉन टू, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इस तरह नहीं लिखा जाता है। माइनस 8 थी द 24, 24 और 5 29, 29 अपॉन 8। इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बताओ बच्चों, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 2 लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, एलसीएम ज़रूर ले लिया करो, 2 वन द 2 और 2 4 द 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 वन द 2 टू द 4 और यहाँ 2 वन द 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि 8 ही एलसीएम आना है, तो हमें नीचे भी इधर भी 8 लेके आना है, ठीक है ना। 17 अपॉन 2, 2 किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आया, 2 4 द 8, 2 4 द 8, ऊपर ही 4 से करें, माइनस 29 अपॉन 8, ठीक है ना, 4 टू द 8 और 17 4 द कितना होगा 68, माइनस 29 अपॉन 8। अब हमें क्या करना है, एज इट इज लाइन खींचनी है, 8 लिख लेना है, यहाँ ऊपर 68 लिख लेना है, माइनस का साइन लगाना है और 29 लिखना है, 29 को माइनस कर देना है, अगर 30 को माइनस करते तो यहाँ कितना बचता, 38 बचता, और एक हमने फालतू माइनस पहले इसमें ऐड करा तो 39 अपॉन 8, कैसे, अरे डिवाइड कर लो भैया, माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो करना है कर लो। अभी 39 को 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करके दिखा दूँ, चलिए भैया, एट फोर द 32, ये तो पहले भी हमने करा था ऐसे, 39 पहले भी आया था ना, यह लग रहा है मुझे, बचे कितने 7, हाँ ये तो पहले भी आया था, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जो ऊपर आता है उस साइड में आता है, बीच में डंडा आता है, जो नीचे आता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जो नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा, एट फोर द 32, 32 और 7 39, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, वो अगला है वीडियो में हम करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा।